वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकामा। चलिए अब बात करते हैं अजय देवगन, संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा स्टार ऑफ फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर की अगर हम बात करेंगे तो वेल इस सब्जेक्ट पे हमने राइट सिंस द लेट 60s एरा फिल्में देखी है। हाँ, ये फुल फ्लेज वॉर बेस्ड फिल्में नहीं थी बट हैड इंटीग्रल पार्ट फीचरिंग द वॉर सीक्वेंसेस इन फिल्म्स सच एज उपकार, आक्रमण, हिंदुस्तान की कसम एंड फ्यू मोर। लेकिन इसके बाद इस तरह की फिल्में बनना थोड़ी सी कम हो गई अंटिल द अराइवल ऑफ बॉर्डर विच वॉज अ ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म। और बस उसके बाद वी डिड सी मेनी मोर फिल्म्स फीचरिंग इंडिया पाकिस्तान वॉर्स, स्पेशली द वॉर्स फ्रॉम 1971 एंड 1999। इन वॉर से जुड़े कई कमाल के किस्से हैं, कहानियां हैं, जो कि जब भी हमारे मेकर्स को मौका मिलता है वो इन पे फिल्में बनाते रहते हैं। एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर बेस्ड फिल्म है भुज। तो चले जानते हैं कि क्या आज के दौर में कितनी रेलेवेंट है ये फिल्म एंड क्या हमें ये फिल्म एक नई और अनसुनी कहानी देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी उन फिल्मों में से एक होगी जहां पर सिर्फ वन लाइनर सब्जेक्ट को खींच के पूरी फिल्म के रूप में बनाया जाता है। भुज फिल्म बेस्ड है रियल लाइफ इंसिडेंट से जो के हुए थे 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरबेस इन भुज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड प्लान करते हैं कि वो अपनी फौज के सहारे कच्छ इलाके पर कब्जा कर ले। लेकिन उनके इन इरादों को रोकने के लिए कमांडिंग ऑफिसर विजय कार्निक यानी कि अजय देवगन, लेफ्टिनेंट कर्नल नायर यानी कि शरद केलकर, रणछोड़ दास पगी यानी कि संजय दत्त एंड सुंदर बेन यानी कि सोनाक्षी सिन्हा मिलके लड़ते हैं और उसके बाद जो होता है वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज ये पूरा जो भुज वाला जो चैप्टर है वो काफी लेस नोन है। दस फिल्म में एक कमाल का इंट्रीगिंग फैक्टर है एज ये पूरा इंसिडेंट काफी कमाल का है बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन प्ले थोड़ी सी वीक है। फिल्म टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एस्टैब्लिश एंड इंट्रोड्यूस मल्टीपल कैरेक्टर्स जिसके बनते फिल्म अपने मेन ट्रैक पे आने में वक्त लेती है। दो फिल्म के स्टार्ट में जो पाकिस्तान का भुज पे जो अटैक है followed by India's fighting back, वो पूरा ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग है। लेकिन उसके बाद मल्टीपल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन followed by loads of flashback scenes जो कि स्क्रीन प्ले को पूरी तरह से डाइल्यूट कर देते हैं और साथ ही कुछ साइड ट्रैक्स भी है जो कि फिल्म के फ्लो के साथ नहीं जाते। लेकिन थैंकफुली इनके बीच बीच में फाइट सीक्वेंसेस है, कुछ मोटिवेशनल सीन्स है। एक फाइट सीक्वेंस है जहाँ पे अजय देवगन, शरद केलकर एंड संजय दत्त मिलके जो जासूस होते हैं उन्हें पकड़ते हैं, ये बड़े स्क्रीन पे मजा आता था। लेकिन यहां पर भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है और फिल्म को वापस अपने ट्रैक पर लेकर आता है। इनके साथ साथ अजय देवगन रिसाइटिंग पोइट्री ओवर सोल्जर इज माइंड ब्लोइंग एंड वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ द फिल्म। बट अगेन उसके साथ साथ सोनाक्षी का इंट्रोडक्शन सीन थोड़ा ओवर द टॉप है। खैर फिनाले पोर्शंस में जहां एक और शरद केलकर और उनकी टीम काफी बढ़िया तरीके से लड़ती है तो वहां पे दूजी ओर संजय दत्त अकेले अपनी जिंदा फिल्म की तरह लड़ते रहते हैं डजनों पाकिस्तानियों के साथ और मारते रहते जो कि काफी अनकन्विंसिंग एंड इलॉजिकल लगता है। सेम वे में अजय देवगन ट्राइंग टू स्टॉप प्लेन हैज गुड थ्रिल्स बट थोड़ा सा वीकली एग्जीक्यूटेड स्पेशली इन द सीजीआई पोर्शंस जहां पे कुछ फ्लॉज भी दिखाई देते हैं और एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है विच कुड रियली पुट द फिल्म इन प्रॉब्लम। नेवर्थलेस द एंड क्रेडिट्स हैड सम वंडरफुल मोमेंट्स फॉलोड बाय द रियल पिक्चर्स ऑफ द इंसिडेंट। काश स्क्रीन पे थोड़ा सा और अच्छा होता और डायरेक्शन थोड़ा बेटर होता तो इम्पैक्ट डबल होता। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो थैंकफुली फिल्म में एक दो गाने के सिर्फ मुखड़े रखे गए लेकिन अगर वो भी नहीं होते तो और अच्छा होता। बैकग्राउंड म्यूजिक इज गुड एंड गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो हमारे डायरेक्टर साहब कहानी तो बढ़िया लेकर आते हैं लेकिन उनके राइटर्स वीक स्क्रीन पे देते हैं एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजिंग फ्लैशबैक्स भी डालते हैं जो कि फिल्म के फ्लो को डाइल्यूट कर देते हैं। बट नेवर्थलेस जहां पर मासी सीन्स सच एज फाइट्स और मोटिवेशनल सीन्स की जरूरत है वहां पर द डायरेक्टर मैनेज टू गेट हिज वर्क डन। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो अजय देवगन इज गुड इन दिस फिल्म, नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट बट डिसेंट परफॉर्मेंस और वो पोइट्री वाले सीन में तो उन्होंने कमाल कर दिया। काश ऐसे और सीन्स होते तो और भी मजा आ जाता। उनके बाद शरद केलकर अपने रोल में काफी कमाल के, ही डज हिज पार्ट विद फुल ग्रेस एंड डेडिकेशन। संजय दत्त स्लीप वॉक्स इन द फिल्म, पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर सोनाक्षी इज फाइन बट नथिंग मोर। नोरा फतेही का ट्रैक काफी छोटा था बट अगेन शी हैड सम गुड डायलॉग्स। एमी विर्क इज फाइन बट कुछ खास दमदार नहीं। प्रणीता, नवनी परिहार एंड अदर्स वर देयर बट कुछ खास इंपैक्ट नहीं कर पाए। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे भुज डिस्प्लेज अ अनटोल्ड टेल ऑफ वैलर एंड विक्ट्री बट मिसेस आउट टू बी इन द टॉप लीग ऑफ सच फिल्म्स ऑल थैंक्स टू वीक स्क्रीन प्ले। इनके बावजूद भी फिल्म में काफी कुछ है देखने को।
एक क्लीन फिल्म है विथ नो गाली गलोच नो न्यूडिटी सो फैमिली कैन वॉच इट एंड विल बी लाइक बाय मसाला फिल्म लवर्स. अगर ये सिनेमा हॉल में आती तो ऑफकोर्स सिंगल स्क्रीन में धमाल करती, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2.5 प्लस स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ. हाँ, फॉर ऑल अजय देवगन, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त एंड नोरा फतेही के फैंस के लिए इट्स अ 3-स्टार वाली फिल्म. सो ऑल यू अजय, शरद, सोनाक्षी, संजय, नोरा के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म. मिलते हैं जल्द एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकामा.